हेलो नमस्ते, मैं हूँ आशुटब। फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल आशुटब में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने शरीर के अंदर की गंदगी को किस तरह से साफ कर सकते हैं, उसे डिटॉक्स कर सकते हैं, अंदर से शरीर को किस तरह से हम साफ कर सकते हैं उसका हम उपाय देखेंगे। और अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आप हमेशा निरोगी बने रहते हैं, स्वस्थ बने रहते हैं, आपको कोई बीमारी नहीं घेरे हुए होती है। आप में से 95% लोग ऐसे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी सिटिंग जॉब है, यानी कि वो हमेशा बैठे रहने का काम करते हैं, लेकिन वो अपने आप को ठीक रखना चाहते हैं, बीमारियों से कोसों दूर रखना चाहते हैं, और उसके लिए वो एक्सरसाइज भी करना चाहते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में भी चेंजेस ये उनको पॉसिबल नहीं लगता है। तो और उसके साथ साथ आप में से जो बहुत सारे लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें कोई ना कोई ऐसी बीमारी लगी हुई है, जो कि बीपी हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, शुगर हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ हो सकता है, चर्बी शरीर से बाहर निकली हुई हो सकती है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, थायराइड हो सकता है, पीरियड्स पेन बहुत ज़्यादा होता है, पीरियड्स इनरेगुलर हो सकते हैं, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है, पीसीओएस हो सकती है, फर्टिलिटी बूस्ट नहीं है और कंसीव नहीं कर पा रहे हो, किडनी में स्टोन हो सकते हैं, या फिर लीवर में इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर आपके जो लंग्स हैं वो कमज़ोर हो सकते हैं, जो स्किन है वहाँ बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं, उनके निशान हो सकते हैं, बाल जो है उम्र से पहले ही बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो चुके हैं, टूटते बहुत ज़्यादा है आपके बाल, उसके साथ साथ नसों में ब्लॉकेज हो सकती है, हाथ पैरों में जकड़न, जोड़ों में दर्द हो सकता है, जॉइंट पेन वगैरह, मसल पेन वगैरह आपके हो सकती है। अगर आपके इन सब में से कोई भी एक प्रॉब्लम है तो इस वीडियो में बने रहना, एंड तक बने रहना, क्योंकि आज हम ऐसा ही उपाय देखने वाले हैं जो कि आपके शरीर में इन सभी बीमारियों को जड़ से खत्म कर देगा। तो अपने शरीर को अंदर से साफ करने से पहले हम देखते हैं कि हम जो आखिर खाना खाते हैं उसका हमारे शरीर में आखिर होता क्या है। जब हम खाना खाते हैं तो ये जो खाना है सबसे पहले हमारे मुंह में जाता है, मुंह में हम इसको चबाते हैं और चबाने के बाद ये हमारे पेट में चला जाता है, जहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस खाने को गला देता है। खाना गला देने के बाद ये आगे की तरफ बढ़ता है, जहाँ ये छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में इसके जो खाने के न्यूट्रिशंस होते हैं वो एब्जॉर्व कर लिए जाते हैं विलेय के द्वारा, और जो वेस्टेज होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है बड़ी आंत की तरफ। बड़ी आंत में जो इसके वाटर कंटेंट होता है उसे भी एब्जॉर्व कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, और इस जो वेस्टेज को आगे की तरफ भेज दिया जाता है, जहाँ ये हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है मल के रूप में, और हमारा खाना जो है पच जाता है, डाइजेशन हो जाता है हमारे खाने का, और वेस्टेज हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है, और जो अच्छे अच्छे तत्व हैं, अच्छे अच्छे जो न्यूट्रिशंस हैं, वो हमारे शरीर में इन्हीं विलयों के द्वारा हमारे पूरे शरीर में भेज दिए जाते हैं, जिससे जो खाने के न्यूट्रिशंस हैं वो पूरे हमारे शरीर को मिल जाते हैं। अब अगली बात ये कि जो भी हम खाना खाते हैं वो हम दिन में कितनी मील लेते हैं। कम से कम बहुत सारे लोगों का जवाब होगा 4 से 5 बार, या बहुत सारे लोगों का जवाब होगा कम से कम 3 से 4 बार तो हम खाना खाते ही हैं। अब हम जो ये खाना खाते हैं उनमें कितना गैप होता है, इन जितनी भी हम मील लेते हैं उनमें गैप होता है कम से कम 4 से 5 घंटों का गैप होता है। अब हम जानते हैं कि क्या हम जो भी खाना खाते हैं उसको पचने में क्या सेम टाइम लगता है, एक जैसा वक्त लगता है, जो भी हम खाना खाते हैं क्या सबको टाइम उतना ही टाइम लगता है, बहुत कम टाइम लगता है। तो चलो जानते हैं कि किस खाने को पचने में कितना समय लगता है। जब हम फल खाते हैं तो फलों को पचने में हमारे शरीर के अंदर 3 घंटे का समय लगता है, जबकि सब्जियों को पचने में हमारे शरीर में जाने के बाद 6 घंटे का समय लगता है। और अनाज की बात करें, जिसमें गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा जो भी अनाज है उनको पचने में लगते हैं पूरे 18 घंटे। तो अब हम बात करें कि जो भी हम खाना अपनी प्लेट में ले रहे हैं उसमें जो ज़्यादातर मात्रा है वो किस चीज़ की बनी हुई है। अगर हम ध्यान दें तो वो जो भी हम थाली में अपने खाना परोस रहे हैं उसमें जो ज़्यादातर पोर्शन है वो अनाज का ही है, जिसे पचने में पूरा 18 घंटे का समय लग रहा है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि आपके जो भी मील के बीच का टाइम है, जो भी आप गैप दे रहे हैं, उनमें कम से कम 4 से 5 घंटों का गैप आप दे रहे हैं और खाने को पचने में पूरे 18 घंटे का समय लग रहा है। तो क्या हो रहा है कि हमने पहली बार खाना खाया वो पचा नहीं कि हमने दोबारा से अपने शरीर में खाना डाल दिया, वो पचा नहीं कि हमने फिर से कुछ ना कुछ खा लिया, अब वो भी नहीं पचा फिर हमने कुछ ना कुछ डाल दिया, यानी हम अपने शरीर को एक कचरे के डब्बे की तरह बनाए जा रहे हैं। जिस तरह हम कचरे के डस्टबिन में हम कचरा भरते हैं, उसी तरह से हम हमारे शरीर में खाने को भरे जा रहे हैं,
और इससे क्या हो रहा है कि जो खाना है ये हमारे शरीर के अंदर जाता है, आंतों से गुजरता है, और जो ये वेस्टेज है ये पुराना निकलता नहीं है कि नया आ जाता है, पुराना निकलता नहीं है कि नया आ जाता है। इससे क्या होता है कि वेस्टेज हमारे शरीर से बाहर नहीं निकला कि हमने दोबारा से कुछ डाल दिया। तो ये जो गंदगी है वो इन्हीं जो आंतों में विलय है, जो एब्जॉर्व करते हैं न्यूट्रिशंस को, उन्हीं के बीच में ये जो खाने की गंदगी है फंस जाती है और फंस फंस के इन विलयों पे एक लेयर बन जाती है। इससे क्या होता है कि जब विलय खाने के न्यूट्रिशंस को पहली बात तो एब्जॉर्व कर नहीं पाते हैं पूरी तरह, तो पहली बात तो एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं पाता है। दूसरी बात, अगर ये खाने के न्यूट्रिशंस एब्जॉर्व भी करते हैं तो उसके साथ साथ ये गंदगी का कुछ हिस्सा भी एब्जॉर्व कर लेते हैं और ये जो गंदगी है वो भी इन्हीं में खुल जाती है। जब ये हमारे पूरे शरीर में जाती है, ये गंदगी जब हमारे पूरे शरीर में पहुंचाई जाती है, तो ये जब ये गंदगी हमारे स्किन पे पहुंचती है तो हमें पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, हमें इचिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है स्किन पे, एलर्जी की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। जब ये गंदगी हमारे किडनी में पहुंचती है तो हमें स्टोन्स, हमें पथरी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लीवर में पहुंचती है तो लीवर में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और ओवरी की तरफ जाती है तो हमें पीसीओडी, पीसीओएस या पीरियड इनरेगुलर की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उसके साथ साथ जब ये गंदगी हमारे लंग्स में पहुंचती है तो लंग्स में भी हम इन्फेक्शन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और बीपी, शुगर, ये सब चीज़ें तो साथ के साथ आ ही जाती है जब शरीर में, पूरे शरीर में गंदगी जब फैलती है। तो अब इसको छुटकारा पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं सिर्फ एक उपाय, हमें करना है 16 घंटे का उपवास। अब बहुत सारे लोग शौक रह गए होंगे कि हम कैसे रोजाना फास्टिंग कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं। तो आप यकीन मानिए, आप आराम से कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि हमें भगवान ने बनाया ही उपवास के लिए है, फास्टिंग के लिए है। वो तो हम हैं जो हर पल अपने शरीर में कुछ ना कुछ डाले जाते हैं। हमारे शरीर में प्राण शक्ति होती है, हमारे शरीर में खुद की हीलिंग पावर होती है जो कि अपने शरीर को खुद ठीक करना जानती है। इसके लिए हमें दवाइयों की, मेडिसिन की लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इस प्राण शक्ति को भी खुद का काम करने के लिए खुद का वक्त चाहिए होता है। हमारी जो प्राण शक्ति है वो एक वक्त पर सिर्फ एक काम कर सकती है, या तो खाना पचा सकती है या तो हमारे शरीर को हील कर सकती है, ठीक कर सकती है। लेकिन इस प्राण शक्ति को ठीक करने का, हमारे शरीर को हील करने का हम टाइम ही नहीं देते हैं, क्योंकि जब हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो जो प्राण शक्ति है वो हर टाइम खाने को पचाने में ही लगी रहती है, यानी हमारे खाने को डाइजेशन में ही लगी रहती है, जिससे वो खुद को ठीक करने का उसको तो टाइम मिलता ही नहीं है, हमारे शरीर को क्लीन करने का टाइम हम देते ही नहीं है हमारी प्राण शक्ति को। तो ये जो 16 घंटे का उपवास है वो हमारी जो प्राण शक्ति है उसे ये वक्त देगा कि वो हमारे शरीर को खुद बे खुद ठीक करे और हील करे, उसके साथ साथ हमारे शरीर को भी अंदर से खुद बे खुद साफ करे। तो इसीलिए हम 16 घंटे का उपवास करते हैं और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको क्या करना है कि अपने जो डिनर है वो आपको 7 बजे के लगभग कर लेना है शाम को, क्योंकि इसमें हम शाम का वक्त ले रहे हैं तो आपका 7 से 8 घंटे का जो वक्त है वो आपका सोते सोते ही निकल जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है, आप अपना डिनर 7 बजे के लगभग कर लेंगे। उसके बाद आपको जो अगली मील लेनी है वो आपको अगले दिन लेनी है, जो कि 11 से 12 बजे लेनी है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम ऑफिस जाते हैं तो इतना लेट हम नाश्ता नहीं करना चाहते हैं, हमें जल्दी ही करना है। तो आप क्या करेंगे, अपने डिनर के वक्त को 1 घंटे पहले ले आइए, मतलब 6 बजे के लगभग आप अपना डिनर कंप्लीट कर लीजिए शाम को, और उसके बाद आप अगले दिन 10 बजे खाना खा सकते हैं। तो अब आपके मन में ये सवाल होगा कि 6 बजे आखिर भूख ही किसको लगती है, हमें नहीं लगती है। तो आप मेरी यकीन मानिए कि जब आप कुछ दिन 6 बजे खाना खाएंगे तो आपका जो शरीर है वो इसे ही अडेप्ट कर लेगा और आपको डेली ही इसी पर्टिकुलर टाइम पर ही भूख लगने लगेगी, और ये कोई मुश्किल नहीं है। पुराने ज़माने की बात करें तो पुराने टाइम पर सब लोग 6 बजे लगभग, यानी सूरज ढलते ढलते खाना खा लेते थे, और हमारे यहाँ पर ऐसे बहुत सारे रिलीजन्स हैं जहाँ सूरज ढलने से पहले पहले खाना खा लिया जाता है और उसके बाद फिर वो कुछ नहीं खाते हैं।
तो ये कोई मुश्किल नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हमारे शरीर को बनाया ही इस तरह से गया है। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ये होगा कि हम इतना नहीं कर सकते हैं, हमें सुबह के वक्त तो कुछ ना कुछ चाय वगैरह की आदत है, तो आप उस टाइम पे नारियल पानी पी सकते हैं, सब्जियों का कोई जूस बनाकर पी सकते हैं, या फिर कोई लाइट सूप बना सकते हैं, पतला सूप बना सकते हैं। लेकिन आपको कोई हैवी मील नहीं लेनी है जिससे कि आपका उपवास टूट जाए। आपको आपके व्रत को, आपके फास्ट को तोड़ना नहीं है। आप लाइट पी सकते हैं कोई भी पानी, यानी कि नारियल पानी पी सकते हैं या फिर सब्जियों का जूस पी सकते हैं, आपको फलों का जूस भी नहीं पीना है। तो ये था आपका 16 घंटे का उपवास, यानी कि आप इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा तरीका है शरीर से गंदगी निकालने का, स्वेटिंग। जितना ज़्यादा आपके शरीर से पसीना निकलता है उतनी ही ज़्यादा गंदगी आपके शरीर से ऑटोमेटिकली निकल जाती है। तो ये पसीना निकालने के लिए आपको कोई ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे कि आपका शरीर गर्म हो और आपके शरीर के अंदर से पसीना बाहर निकले। इसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर सूर्य नमस्कार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो उससे भी आपके बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है और जो गंदगी है वो शरीर से बाहर निकलती है। आप रस्सी कूद सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं या अदर कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे कि आपके शरीर का तापमान बढ़े। तीसरी चीज़ जो कि हमारे शरीर को गंदगी को साफ करती है, तो ये है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग में आपको क्या करना होता है कि अपने मुंह में ऑयल लेना होता है, जिसमें आप नारियल का तेल ले सकते हैं या नारियल का तेल ले सकते हैं। इसको आपको एक टेबलस्पून जितना नारियल का तेल जो है अपने मुंह में लेना है, सुबह उठते ही लेना है और उसको अपने मुंह में घुमाते रहना है कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। शुरुआत आप 5 मिनट के लिए कर सकते हैं। जैसे ही आप अपने मुंह में इस तेल को लेंगे और इसको घुमाएंगे अपने पूरे मुंह में, तो जो आपकी मुंह की गंदगी है, क्योंकि हमारे मुंह में ही सबसे ज़्यादा गंदगी होती है और जो जबान है वो हमारे पेट से कनेक्ट होती है, तो जब हमारा मुंह साफ होगा तो हमारी जो पेट है वो भी साफ होगा, तो और हमारे शरीर की जो गंदगी है वो भी साफ होगी। तो आप ऑयल पुलिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने मुंह में इस ऑयल को कम से कम 10 से 15 मिनट तक जब आप घुमाएंगे तो ये जो ऑयल है वो वाइट कलर का हो जाएगा। उसके बाद आप इस ऑयल को मुँह से बाहर निकाल देंगे, लेकिन आप अपने वॉश बेसिन में इसको ना थूकें, नहीं तो आपका ये जो पाइप है वो ब्लॉक हो सकता है। आप इसको किसी डस्टबिन में या फिर घर के बाहर ही निकालें, तो आप देखेंगे कि आपके जो शरीर की गंदगी है वो कितनी ज़्यादा साफ हो जाएगी। उसके साथ साथ ये ओरल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा एक तरीका है। तो इन तीन तरीके से आप अपने शरीर को साफ और हेल्दी बना सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ढेर सारा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एक बार याद रखकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।